हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। 28 अगस्त 2024 से जो है यहाँ पर फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। 17 सितंबर 2024 तक आप फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट वाइज यहाँ पर जो है वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों जैसे कि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 सीट से जो है वो मतलब यहाँ के लिए रखी गई है। इस तरीके से ये जो 50 सीट हैं इनको कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो आपकी जो भी कैटेगरी आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर अगर आप बात करें अनरिजर्व वालों के लिए तो यहाँ पर 21 वैकेंसी है। एससी वालों के लिए 8 सीट हैं, एसटी वालों के लिए 3 सीट्स हैं, ओबीसी वालों के लिए 13 सीट्स हैं और इस तरीके से ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 सीट्स हैं। तो इस तरीके से ये जो 50 सीट्स हैं आंध्र प्रदेश के लिए वो फिलअप की गई हैं कैटेगरी के हिसाब से। फिर इसी तरीके से आपको अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के लिए आपको यहाँ पर सीट्स देखने को मिल रही है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की फिलअप की जाएंगी यूनियन बैंक की ओर से वो है दोस्तों 500 सीट्स। ठीक है, 500 सीट्स यहाँ पर फिल की जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर जो आप ट्रेनिंग करते हैं बैंक में, तो बैंक ने यहाँ पर जो है वो क्लियरली मेंशन किया गया है इनकी ओर से कि भाई यहाँ पर आप अप्रेंटिस करोगे तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको परमानेंट जो है वो एम्प्लॉय रखा जाएगा। ठीक है, ये एक टाइम होता है, जैसे 1 साल की कहीं कहीं किसी जगह पर जो है 2 साल की जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग कराई जाती है और ट्रेनिंग के बाद जो है आपका ये टेन्योर खत्म हो जाता है। फिर आपको एक सर्टिफिकेट दी जाती है कि आपने जो है यहाँ से क्या किया है, अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की है। तो उसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। आगे मान लीजिए कहीं पर जो है वो जो है किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और उसमें रिक्वायरमेंट है कि अगर 1 साल की अप्रेंटिस भी है साथ में तो वो आपको रख लेंगे। तो इस तरीके से आप उसका आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको ओनली अप्रेंटिस जो है एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए ही यहाँ पर जो है वो करनी होगी और उसके बाद आपका टेन्योर खत्म होगा और आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, मतलब। ठीक है, और इस साथ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों अप्रेंटिस के लिए जो इन्होंने एज रखी है वो रखी है मिनिमम आपकी 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 28 साल। और ये जो एज है ये 1 अगस्त 2024 को देखी जाएगी। तो 1 अगस्त 2024 को आप मिनिमम या तो 20 साल के होने चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 28 साल के होने चाहिए। आगे यहाँ पर इन्होंने डेट मेंशन की है 2/8/1996 से लेकर 1/8/2024 के बिटवीन, मतलब इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ये मतलब अप्लाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये जो 2 डेट्स हैं अगर इन डेट 2 डेट्स के मतलब 2/8/1996 को आपका जन्म हुआ है मान लीजिए तो भी आप इलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 1/8/2004 को भी आपका जन्म हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी इजीनेस के लिए यहाँ पर जो डेट्स हैं वो मेंशन की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी उसके अकॉर्डिंग में आपको यहाँ पर जो है वो रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा एज के अकॉर्डिंग में। जैसे एससी एसटी और एससी में जो आते हैं उनको 5 साल तक एज में जो छूट मिल जाती है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनको 3 साल की यहाँ पर एज में छूट मिल जाती है। तो कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें दोस्तों, बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो ये एज ऑन 17 जो लास्ट डेट है यहाँ पर, जो लास्ट डेट नोटिफिकेशन का है अप्लाई करने का, तो उस लास्ट डेट तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और नीचे यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर इन्होंने बताया दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस के लिए आपने अप्लाई किया या सेलेक्ट हो गए तो आपके यहाँ पे नौकरी लग गई। ठीक है, ये ट्रेनिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग अगर हम देखें कि कितने साल जो है आपके यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है, कितने टाइम की, तो ये यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग इज ऑफ 1 ईयर, यानी 12 महीने की आपकी यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग के दौरान में जो भी यहाँ पर बैंक का काम होगा, मतलब जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे उन आपको उसी तरीके से वहाँ पे जो है वो एक तरह से इन्होंने लिखा है OJT, ओके, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग आपकी होगी वहाँ पर, जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बैंक, बैंकिंग प्रैक्टिस, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, तो वहाँ पर वो आपको इस तरीके से कुछ सिखाया जाएगा जैसे ट्रेनिंग होती है दोस्तों। ठीक है, स्टाइफंड की बात करें अगर, तो स्टाइफंड आपको जो है यहाँ पर मिलता है, मतलब ट्रेनिंग आप करते हैं तो ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कुछ वहाँ से
पैसे भी मिलते हैं, उसको स्टाइफंड बोला जाता है। तो हर महीने आपको यहाँ पर 15,000 रुपये दिया जाएगा पूरे के पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी तो हर महीने 15-15 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। और इसके अलावा सिलेक्शन किस तरीके से होगा यहाँ पर, तो सिलेक्शन होगा दोस्तों सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपको जनरल और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 25 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटी एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। इट मीन्स दोस्तों 1 क्वेश्चन आपका यहाँ पर कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का है, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का है। और ये जो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में ये जो टेस्ट देने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए, यानी 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको आनी चाहिए, इसका भी टेस्ट होने वाला है। यानी जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की जो भी एकाध जो लैंग्वेज होगी लोकल लैंग्वेज, वो आपको आनी चाहिए। और वो आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो 10th की जो मार्कशीट होती है या 12th की जो मार्कशीट होती है उसमें जो है स्पेसिफाइड होगा कि भाई आपने जो है एक लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी 10th या 12th की मार्कशीट, जिसमें सर्टिफिकेट इविडेंसिंग हैविंग स्टडीड अ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज। उसमें ये इविडेंस होगा, एक सबूत होगा कि भाई आपने जो है एक लोकल लैंग्वेज को पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको पास किया हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो है वो टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ड्यूरिंग दियर पर्सनल इंटरेक्शन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इस तरीके से फिर ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें अगर, तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनानी है, और ये सर्टिफिकेट जो है एक रजिस्टर्ड जो जनरल फिजिशियन है इसके द्वारा जो है आपको बनानी है, जिसने कम से कम जो है MBBS किया होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए, वो यहाँ पर बताए गए हैं, स्टेप्स बताए गए हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि भाई ऑनलाइन जो अप्लाई करने से पहले आपके पास कम से कम एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और रिजल्ट डिक्लेयर होने तक वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, ताकि इनकी ओर से कोई भी अगर मतलब इंटीमेशन होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, कोई भी अपडेट होगा, तो वो आपको बाई ईमेल या फिर SMS के द्वारा ये सेंड करेंगे, भेजेंगे, तो उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना फेस हो, इसलिए आपके पास ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि आपको गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल है वहाँ पर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नेप्स पोर्टल पर रजिस्टर करना है, जो कि है www.apprenticeshipindia.gov.in। सभी कैंडिडेट्स के लिए ये मैंडेटरी है, यहाँ पर जाकर रजिस्टर करना। और उसके बाद दोस्तों आपको नेट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना है, जो कि है nets.education.gov.in, ठीक है। यहाँ पर कौन रजिस्टर करेगा, ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड दियर ग्रेजुएशन आफ्टर 1 अप्रैल 2020। तो पहले अप्रैल के 1 2020 के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है उनको nets.education.gov.in पर जाकर रजिस्टर्ड करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ पर फीस के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फीस आपसे कितनी चार्ज की जा रही है, यहाँ पर जनरल OBC से जो आते हैं उनको 800 रुपये प्लस GST जो भी एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पर आपको फीस जो है वो पे करनी है। सभी फीमेल कैंडिडेट्स को 600 प्लस GST यहाँ पर जो है पे करनी है फीस। SC ST वालों को भी 600 प्लस GST जो है वो फीस पे करनी है, और जो PWD से आते हैं उनको 400 प्लस GST जो है वो यहाँ पर फीस पे करनी होगी। कैंडिडेट्स यहाँ पे लिखा है नीचे इंटीमेशन फॉर एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन के लिए आपको बता दिया जाएगा, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव मेड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन की जिन्होंने पेमेंट की है दोस्तों वो रिसीव करेंगे ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम बैंक। तो बैंक की ओर से वो जो है ईमेल रिसीव करेंगे, और वो कब रिसीव करेंगे, मंथ ऑफ सितंबर 2024, सितंबर 2024 के मंथ में आप जो है रिसीव करोगे इनकी ओर से, जिसमें ये मेंशन होगा कि भाई डेट कौन सी है, टाइम कौन सा है, मतलब आपका एग्ज़ाम जो है कौन सी डेट और
टाइम को लिया जाएगा। वो सारी चीजें जो है आपको ईमेल के थ्रू मिलेंगी, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था ईमेल और फोन नंबर आप एक्टिव रखिएगा। अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, ऑल कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स हु हैव पेड द एग्जामिनेशन फीस, जिन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन्होंने भी एग्जामिनेशन फीस को पे किया है वो रिसीव करेंगे इंटीमेशन फ्रॉम बी एफ एस आई एस एस सी विद डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। डेट और टाइम उसमें जो है वो जो है बता दी जाएंगी एग्जामिनेशन के रिलेटेड में। और नीचे लिखा है ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन द गिवन डेट। तो जो भी गिवन डेट होगी, जो भी गिवन टाइम होगा, उस पर आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा ऑनलाइन यूजिंग दियर ओन कैमरा। तो यूजिंग दियर ओन कैमरा मतलब आपको अपना ही जो लैपटॉप या टेबलेट या स्मार्टफोन के जरिए जो है ये एग्जाम देना पड़ेगा। और ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू डिस्प्ले द सेम आईडी प्रूफ विच दे हैव अपलोडेड ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, फिर यहाँ पे जो है कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो सीट्स को ब्रेकअप किया गया है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे आंध्र प्रदेश की अगर बात करोगे तो विजयवाड़ा के लिए देख लीजिए, यहाँ पर विजयवाड़ा में कौन कौन सी जो है वो आगे डिस्ट्रिक्ट हैं, आरओ और आगे डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं। फिर यहाँ पर जो सीट्स हैं वो यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटी गई हैं इस तरीके से। फिर नीचे यहाँ पर है विशाखापट्टनम, उसमें भी आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके की जो सीट्स हैं वो डिवाइड की गई हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर देखिए पपुम पेर के लिए यहाँ पर जो है वो एक सीट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो सीट्स का ब्रेकअप किया गया है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको जो ये वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन पर दोस्तों प्रेस करके रख सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।